जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो डब्ल्यू 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 पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के नए सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं डिस्क्रिमिनेशन मत करिए एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए भाई अगर आप कावर यात्रा पर फूल बरसा हेलीकॉप्टर से टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है पुलिस ऑफिसर वर्दी में कावरियों की पैरों की मालिश करता है बहुत अच्छा है अलीगढ़ में एक पोलिस स्टेशन है वहां पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था आपने नाम से निकाले तो बहुत अच्छा है गोश्त की दुकानें बंद करवा दी रास्ते में लोहार की दुकान आ रही आपने बंद करवा दिया भाई मैं क्या जुलूम किया बताइए ना अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत तो अच्छा है वेलकम कर रहे हैं मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए 1962 की टू आप मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में तीसरे मुल्क की हिस्सेदारी की खबरों के बीच भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा है कि प्रोजेक्ट पर सरकार की नज़र है और किसी भी साइड के तरफ से ऐसी एक्टिविटी भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का वॉयलेशन है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि वो सो कॉल्ड सी का विरोध करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ़ से गैर कानूनी तरीके के कब्ज़ा करे गए भारतीय ज़मीन पर है इस तरह की एक्टिविटीज़ गैर कानूनी है इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और भारत इसका वाजिब जवाब देगा तो दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान उन ख़बरों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन अरबों डॉलर की सीपीईसी में शामिल होने को तैयार तीसरे मुल्क का वेलकम करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके एक इकोनॉमिक गलियारा तैयार कर रहा है जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है ये इकोनॉमिक गलियारा चीन के बेहद एम्बिशस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई थी लेकिन पाकिस्तान की दिनों दिन बिगड़ती माली हालत की वजह से इसके तहत आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट सालों तक शुरू नहीं हुए हैं इसके ही तहत चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में पड़ने वाले ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के काम में लगा हुआ है खैर अब बात अगर भारत सरकार का झूठा डंका बजाने वाली फॉरन पॉलिसी का करें तो नेपाल श्रीलंका भूटान म्यांमार ईरान और अफगानिस्तान एक जमाने में भारत के माल के बड़े खरीदार हुआ करते थे आज चीन इन सभी में भारत से ज़्यादा मजबूत हो चुका है श्रीलंका में पोर्ट बनाना हो या पाकिस्तान के साथ सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का डेवलपमेंट करना हो चीन हर पड़ोसी मुल्क में दूर अंदेशी वाले इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत में आज लगभग सारी इंडस्ट्रीज का यूनिफिकेशन हो रहा है सरकार को लगता है कि एक इंडस्ट्री को कुछ गिने चुने सरकार के दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट चलाएंगे तो बेहतर रहेगा टेलीकॉम मीडिया सीमेंट टीवी, एयरलाइंस माइनिंग एयरपोर्ट सी पोर्ट वगैरह 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 लगभग सभी सेक्टर अडानी को और बाकी टाटा और अंबानी को दिए जा रहे हैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि चीन और भारत पिछले दशक तक दुनिया में प्रोडक्शन का सेंटर कहलाते थे भारत अपने आप में एक बड़ा बाजार भी डेवलप हो रहा था सस्ती लेबर और मटेरियल मौजूद होने के चलते बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्री और कॉल सेंटर लगाते थे और भारत के साथ दूसरे देशों में भी माल एक्सपोर्ट करते थे लेकिन मौजूदा सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर जो इनस्टेबिलिटी पैदा करी उससे आज भारत में इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं नेस्ले की मैगी में पतंजलि के कहने पर लेड यानी शीशे के नाम पर बदनामी हो या कतर एयरलाइंस का बायकॉट या मुल्क की राजधानी दिल्ली में दंगा हो इन सब से इन्वेस्टर्स में इन सिक्योरिटीज का एहसास बढ़ा है फोर्ड जैसी बारह बड़ी कंपनियों ने अपना धंधा भारत से समेट लिया है कोविड के चलते 27 कंपनियों ने चीन से अपनी फैक्ट्री हटाई थी लेकिन ज्यादातर थाईलैंड और फिलीपींस चली गई मगर भारत नहीं आई अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12 परसेंट से घटकर 0.6 परसेंट हो गई है जो ऐतिहासिक निचले लेवल पर है कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करे जाने वाले हथकंडों को जब कोई सरकार मुल्क चलाने में इस्तेमाल करने लगती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था का हाल भी वही होता है जो चुनाव के बाद चुनावी वादों का होता है भारत की मौजूदा सरकार को अपने सियासी और फॉरेन पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके अलग कर लेना चाहिए वरना मीडिया झूठा डंका बजाता रहेगा और अशुभता हाल में भारत की इकोनॉमी का ढोल श्रीलंका की तरह फट जाएगा खैर बात चीन और पाकिस्तान से शुरू हुई थी इसीलिए उसी पर वापस लौटते हैं दरअसल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आखिरकार ये मान ही लिया कि मोदी राज में चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है दो तीन दिन पहले राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में थे कारगिल विजय दिवस समारोह में पंडित नेहरू का नाम लिया और कहा कि पंडित जी की नीयत खराब नहीं थी राजनाथ जी 1962 की लड़ाई के बाद लद्दाख में चीन के तरफ से कब्जा करी गई भारत की जमीन के बारे में बात कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना खास तौर से उस वक्त पर जब चीन के साथ सरहद का मसला सुलझाने को लेकर बातचीत चल रही है बेहद मायने रखता है राजनाथ सिंह ने कहा कि वो भी एक खास सियासी दल से आते हैं लेकिन किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं इसका मतलब ये है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो राजनाथ सिंह का बयान भले ही बेहद साफ और सीधा है लेकिन इसको डी कोट करके देखें तो राजनाथ सिंह पहले तो सन 1962 से 2022 की बराबरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चीन लद्दाख के अंदर हमारी सरहद के अंदर घुस चुका है दूसरी बात वो प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देते हुए भी उनकी लीडरशिप पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं राजनाथ सिंह ने हकीकत में देश को इन्फॉर्म कर दिया है कि मोदी की नीयत बेशक कितनी भी सही हो लेकिन चीन लद्दाख में हमारी सरहद के अंदर तक घुसकर बैठा हुआ है मतलब चीन मुल्क की जमीन पर कब्जा कर चुका है ऑपोजिशन ने बार बार सरकार से सवाल पूछा जवाब मांगा लेकिन पाकिस्तान के मामले में बालाकोट स्ट्राइक का ढोल पीटने वाली सरकार की जुबान चीन का नाम आते ही सिल जाती है उल्टा सवाल पूछने वालों को गद्दार और देशद्रोही करार दिया जाता है खैर तीन दिन पहले ही नितिन गडकरी ने कहा था कि अब राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना हो चुका है गडकरी के बयान का बैकग्राउंड याद रखिएगा यह बैकग्राउंड है महाराष्ट्र में तख्ता पलट का गडकरी ने यह भी कहा कि उनका मन करता है कि वो अब सियासत छोड़ दें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं कैबिनेट मंत्री हैं दोनों बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं दोनों का एक ही दिन साहेब की काबिलियत पर बिना कुछ कहे सवाल उठाना क्या महज को इंसिडेंस यानी संयोग है या फिर कोई नया सियासी प्रयोग है आप लोग भी जरा सोचे मुझे फिलहाल इजाजत दें मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ जय हिंद सत्यमेव जयते अल्लाह हाफिज दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो डब्ल्यू 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 पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडल है ऐट द रेट ऑफ अरशी अजीज़ ख़ान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में